Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homoeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And this time we are going to discuss a medicine that is Capsicum Annuum with you all. So Capsicum jo hai wo bahut achhi medicine hai. Agar hum dekhe home sickness hai kisi ko, to Capsicum ek bahut achhi dawai hai. Dusra, agar koi GIT complaints hai, to Capsicum bahut achhe GIT ko cover karti hai. To is video mein hum yehi dekhne wale hain ki Capsicum ke aise kya important keynotes hain jo hame dhyan rakhne hain, और एलन्स की नोट में से हमें कैप्सिकम के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए. तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको देखनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके दिमाग में कैप्सिकम कब आनी चाहिए. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें. चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैप्सिकम के बारे में देखते हैं. तो इसका जो मरीज़ है वो लाइट हेयर्ड होता है, ब्लू आइज होती है, एंड द प्लेथोरिक टेंडेंसी या प्लेथोरिक हैबिट. प्लेथोरिक का मतलब होता है खून से भरा हुआ, ठीक है. ऐसे ही फेरम मेट जो होता है वो हमको प्लेथोरिक दिखता है, लेकिन एक्चुअली देयर इज लॉस ऑफ ब्लड, डेफिशेंट ब्लड होता है, ठीक है. सो इसका जो कॉमन नेम है वो काइनी पेपर है, एंड इट बिलोंग्स टू द सोलिनेसी फैमिली. नाउ देयर इज़ लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स स्पेशली विद फैट पीपल इजीली एग्जॉस्टेड, जो मोटे लोग होते हैं और जो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है. सो चिल्ड्रन ब्रेड ओपन एयर, ऑलवेज चिली, रिफ्रैक्टरी, क्लम्सी, फैट, डर्टी एंड डिसइंक्लाइन टू वर्क और थिंक. सो जो कैप्सिकम का जो बच्चा है उसको कभी भी ओपन एयर पसंद नहीं होगी. जो पल्सेटेला है उसको तो ओपन एयर डिज़ायर होती है, साइक्लोमैन को ओपन एयर पसंद नहीं होती, वैसे ही कैप्सिकम को जो है ओपन एयर बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि इसको ठंड लगती है. चिली मेडिसिन है, ठंड लगती है. नाउ क्लम्जी, फैट, डर्टी एंड डिसइंक्लाइन टू वर्क और थिंक, यानी कि ये जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, मतलब जो बच्चा देखेंगे हम इसका जो फैट होगा, और डर्टी होगा, बिल्कुल गंदा होगा, और ना ही वो कोई काम करना चाहता है ना ही कुछ सोचना चाहता है, डिसइंक्लाइन टू वर्क और थिंक. अब जो इसके मेंटल जनरल्स हैं उसमें देखिए, जो इंडोलेंट होगा यानी कि आलसी है, ना कुछ काम करना चाहता है ना ही कुछ सोचना चाहता है, और कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहेगा. और ये जो मरीज़ हैं वो मजाक करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि मजाक करते हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं. डिज़ायर टू बी लेट अलोन, वांट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप, इनको अकेले रहना पसंद होता है, फिर ये सोना पसंद होता है. सो देयर इज़ होम सिकनेस. होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है विद रेड चीक एंड स्लीपलेसनेस. जो होम सिकनेस है वो कैप्सिकम में हमें देखने को मिलती है. सो होम सिकनेस इज़ अ मार्क फीचर इन द कैप्सिकम. नाउ फिजिकल जनरल्स जो हैं वो हैं बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन एज फ्रॉम काइनी पेपर इन थ्रोट एंड अदर पार्ट्स नॉट एमलाइरेटेड बाय ही, यानी कि मिर्ची से हम ध्यान रख सकते हैं कि एक तो मिर्ची हमको एग्जांपल के तौर पे लाल मिर्ची ध्यान रखनी है, ठीक है, और तीखी मिर्ची. सो लाल मिर्ची क्या होती है, प्लेथोरिक जो है उसको इंडिकेट कर रही है क्योंकि वो लाल है, और प्लेथोरिक का मतलब ये होता है फुल ऑफ द ब्लड, ब्लड कलर इज़ रेड. सो प्लेथोरिक हमको ध्यान रह जाएगा. दूसरी चीज़, जो मिर्ची है वो क्या करती है, जलन मचाती है, ठीक है. तो बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन महसूस होगा, कहाँ कहाँ महसूस होगा, जहाँ जहाँ. अब जैसे मान लीजिए आप मिर्ची काटते हो तो हाथ में मिर्ची, मतलब तीखा जो उसकी बर्निंग सेंसेशन है वो महसूस होती है, खाते हो तो जो बर्निंग है वो महसूस होती है. तो जहाँ जहाँ मिर्ची के हाथ लगेंगे वहाँ वहाँ जो बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी, यानी कि जो बर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन है वो इसका मार्क्ड फीचर है. नाउ कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसका मार्क्ड है. बाकी हम देखें कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए हमारे पास जो ये ओफीडिया ग्रुप है और वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है. और एवरी स्टूल इज़ फॉलोड बाई थ्रस्ट एंड एवरी ड्रिंक बाई शडरिंग. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैप्सिकम, कि जो हर स्टूल के बाद मरीज़ को जैसे ही वो स्टूल जाएगा वैसे ही उसको प्यास लगेगी, और हर जो ड्रिंक है उसके बाद उसको कपकपी लगेगी, यानी कि मरीज़ क्या हुआ,
फ्रेश होने गया, उसके बाद उसको प्यास लगी, फिर वो उसने पानी पिया तो पानी से उसको कपकपी लग रही है। एज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस सो ऑल्सो डज द इल ह्यूमर, जैसे जैसे उसकी ठंड लगेगी, उसकी बॉडी ठंडी होगी या फिर उसको ठंड लगेगी, वैसे वैसे उसका दिमाग ख़राब होता जाएगा। यानी कि वही सारी चीज़ें कि आलसी बना जाएगा, उसमें उसको लेटने का ज़्यादा मन करेगा और होम सिकनेस, सो सारे जो कंप्लेंट्स हैं वो एग्रावेट हो जाएगी। नाउ पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, एक्सट्रीमली सोर एंड सेंसिटिव टू टच, जो कान के पीछे है वो स्वेलिंग होगी, दैट्स अ मैस्टॉइड स्वेलिंग, एक्सट्रीमली सोर एंड सेंसिटिव टू टच, बर्निंग स्पाजमोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन एंड अदर पेन्स वर्स बिटवीन एक्ट्स ऑफ डेग्लूटिशन, जो स्पाजमोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन है वो निगलने के टाइम ज़्यादा होगा, जो बर्निंग पेन है वो निगलने के वक्त ज़्यादा होगा। टॉन्सिलाइटिस विद बर्निंग स्मार्टिंग पेन, इंटेंस सोरनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद बर्निंग इन्फ्लेम, डार्क रेड स्वेलन। टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है, तो हम जब टॉन्सिलाइटिस देखते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में लकेसेस आती है और बहुत सारी दवाइयाँ आती है लाइक पोडियम आती है, तो उस समय हमको कैप्सिकम भी ध्यान में रखनी है। नर्वस स्पाजमोडिक कफ इन सडन पैरोक्सिज्म एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, यानी कि खांसी के टाइम पे ऐसा लगेगा कि सर फट के टुकड़ों में जो है निकल जाएगा। विद एवरी एक्सप्लोसिव कफ देयर एस्केप्स अ वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फेटेड एयर, मतलब खांसी के साथ जो है एक बदबूदार, इसको मतलब ऐसा लगेगा कि एयर बाहर निकल रही है। अब पेन इन द डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग ब्लैडर नीज लेग्स ईयर्स, यानी कि जब ये खांसेगा तो अलग अलग जगह पे इसको दर्द होगा। पेन इन द डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग, ये इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान ही रखनी है, पेन इन द डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीना जो है इसको इंटरमिटेंट फीवर में फॉलो करती है कैप्सिकम को। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेडिसिन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर एनी मेडिसिन जस्ट ड्रॉप द नेम ऑफ द मेडिसिन इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नो होपैथी।